नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में। दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं Adobe Premiere Pro में डिफ़ॉल्ट ट्रांजेक्शन्स के बारे में। अगर आपको नहीं आता है तो प्लीज़ इस वीडियो को कंटिन्यू वॉच कीजिएगा, पूरा एंड तक देखिएगा, तभी आप अच्छे से समझ पाएंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, मैंने तीन अलग अलग वीडियो को यहाँ पे इंपोर्ट कर लिया है ऑलरेडी। तो अब देखते हैं हम डिफ़ॉल्ट ट्रांजेक्शन्स। तो डिफ़ॉल्ट ट्रांजेक्शन्स क्या होता है? सबसे पहले आपको इन दोनों की फ्रेम, इन दोनों वीडियो के कट के बीच में अपने माउस के बटन को यहाँ लाना है और आप कुछ इस तरह का साइन देखेंगे। इसके बाद आपको यहाँ पे राइट क्लिक करना है और यहाँ पे आप देख सकते हैं अप्लाई डिफ़ॉल्ट ट्रांजेक्शन्स। अगर मैं इस पर क्लिक करती हूँ तो आप देखिए यहाँ पे दोनों साइड ये जो है ट्रांजेक्शन्स आ गया है। तो देखिए मैं ट्रांजेक्शन्स को प्ले करके बताती हूँ, कुछ ऐसा दिखाई देगा। अगर आप चाहें तो इन दोनों वीडियो के बीच में ट्रांजेक्शन्स को बढ़ा सकते हैं कुछ इस तरह से। आपको अपने माउस के कर्सर को यहाँ लाना है और पीछे की तरफ खींच देना है। आप जितना ज़्यादा खींचेंगे ट्रांजेक्शन्स उतना बड़ा होगा और जितना ज़्यादा अंदर की तरफ करेंगे तो ट्रांजेक्शन्स उतना छोटा होगा। ये देखिए ये ट्रांजेक्शन्स बड़ा है। अगर आप इस ट्रांजेक्शन्स पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे इफ़ेक्ट कंट्रोल में आते हैं तो आप यहाँ से भी इसको बड़ा छोटा कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद ये देखिए यहाँ पे अभी है कस्टम स्टार्ट। अगर मैं इसको एंड एक कट कर देती हूँ तो जहाँ पे हमारी जो वीडियो एंड हो रही है वो वहाँ से स्टार्ट होगा, और सेंटर एक कट ये सेंटर से होगा, दोनों वीडियो के बीच के सेंटर से। तो ये तो हो गया हमारा डिफ़ॉल्ट ट्रांजेक्शन्स। अगर आप कोई दूसरा डिफ़ॉल्ट ट्रांजेक्शन्स रखना चाहते हैं, यहाँ पे आइए इफ़ेक्ट्स के अंदर। इफ़ेक्ट्स के अंदर आने के बाद आपको क्लिक करना है डिसॉल्व पे। तो अभी आप देख सकते हैं ये ब्लू है, इसका मतलब ये जो ट्रांजेक्शन्स है ये डिफ़ॉल्ट ट्रांजेक्शन्स है। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी और को डिफ़ॉल्ट ट्रांजेक्शन्स बनाना चाहता हूँ या चाहती हूँ तो आपको क्या करना है, यहाँ पे डिप टू ब्लैक। जैसे मुझे डिप टू ब्लैक चाहिए, पहले मैं आपको बता देती हूँ ये डिप टू ब्लैक कैसा दिखता है। ये देखिए ये ब्लैक होके क्लियर स्क्रीन होगा, ठीक है। तो पहले मैं इसको रिमूव कर देती हूँ दोनों को। और अब देखिए मैं यहाँ पे राइट क्लिक करके सेट सिलेक्टेड इज अ डिफ़ॉल्ट ट्रांजेक्शन पर क्लिक कर देती हूँ। तो यानी कि अब मैं जब भी इन दोनों वीडियो के बीच में क्लिक करूँगी तो डिफ़ॉल्ट ट्रांजेक्शन मेरा ये होगा डिप टू ब्लैक। मैं यहाँ पे राइट क्लिक करके अप्लाई डिफ़ॉल्ट ट्रांजेक्शन्स। ये देखिए आपने देखा होगा बहुत सारे बेडिंग प्रोजेक्ट्स में, या फिर जो बेडिंग की वीडियो बनाते हैं, बर्थडे की वीडियो बनाते हैं, तो उनके बीच में हम लोग इस टाइप का ट्रांजेक्शन डालते हैं स्मूथ सॉन्ग के साथ। तो हम उन वीडियोस के बीच में इस तरह का ट्रांजेक्शन डालते हैं, देखिए। इसके बाद गाइस यहाँ पे एक और है अडॉप्टिव डिसॉल्व, ये बहुत ही बेस्ट है। पहले इससे पहले मैं आपको एक दिखा देती हूँ नॉन अडॉप्टिव डिसॉल्व। तो मैं इस पर क्लिक करती हूँ, ये देखिए ये कुछ इस तरह का दिखाई देगा, ये जो है इमेज दोनों मिक्स होके दिखाई देगी, ठीक है। और आपको एक और बताती हूँ जो बहुत ही अच्छा है, जो बहुत ही ज़्यादा यूज होता है, वो होता है अडेप्टिव डिसॉल्व। मैं इसको सेट सिलेक्टेड ट्रांजेक्शन करती हूँ, इसको मैं रिमूव कर देती हूँ राइट क्लिक करके, यहाँ पे फिर से राइट क्लिक करती हूँ, अप्लाई डिफ़ॉल्ट कर देती हूँ। तो देखिए ये बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है, ये वाला ट्रांजेक्शन बीच में से कुछ वाइट होते हुए नज़र आएगा। तो आप अपनी वीडियो में कुछ इस तरह का ट्रांजेक्शन डालेंगे तो वो बहुत ही अच्छी दिखाई देगी। तो दोस्तों आप अपनी वीडियो में बहुत ज़्यादा ट्रांजेक्शन इस तरह के ना डालें, वरना वो कुछ तो भी दिखाई देगी। तो आपको ज़्यादा ट्रांजेक्शन यूज़ नहीं करना है, कम ट्रांजेक्शन यूज़ करना है। तो अभी मैं इसको रिमूव कर देती हूँ। ये देखिए अगर मैं इस पर क्लिक करती हूँ ये अडॉप्टेड डिसॉल्व पे, तो यहाँ से इसकी प्रॉपर्टीज़ आ जाती है। यहाँ से आप इसका प्रीव्यू देख सकते हैं, कुछ ऐसा दिखाई देता है। यहाँ से आप इसका
इन एंड आउट सो एक्चुअल सोर्स फाइल, ये अभी यहाँ से तो दोस्तों यहाँ से आप इसका एक्चुअल सोर्स देख सकते हैं कैसा दिखाई दे रहा है। ये लास्ट वाला बी, ये सेकंड जो वीडियो है हमारी वो उसका दिखाई देगा इसका, ये देखिए। और ये वाला जो है हमारा ए, वो आगे वाली वीडियो का ट्रांजेक्शन दिखाई देगा। तो ये यहाँ से स्टार्ट पॉइंट है ट्रांजेक्शन्स का और ये यहाँ पे एंड पॉइंट है ट्रांजेक्शन्स का। तो इसके साथ आप कोई छेड़खानी ना करें ये देखिए। अब दोस्तों इसके अलावा बहुत सारे और भी ट्रांजेक्शन्स होते हैं, जैसे ये लीजिए 3D मोशन में आते हैं, क्यूब स्पिन ले लेते हैं, तो देखिए ये देखिए कुछ इस तरह का ट्रांजेक्शन्स नज़र आएगा। स्लाइड में जाती हूँ, बैंड स्लाइड ले लेती हूँ, तो यहाँ से देखिए कुछ इस तरह का ट्रांजेक्शन्स दिखाई देगा। तो वीडियो ट्रांजेक्शन्स के अंदर आप ये जितने भी सारे ऑप्शंस देख रहे हैं ये सारे के सारे ट्रांजेक्शन्स हैं। आपको कुछ नहीं करना है, उठाना है और दोनों वीडियो के बीच में डाल देना है और वो ट्रांजेक्शन्स आ जाएगा। जैसे अगर मैं क्यूब स्पाइन पे क्लिक करती हूँ, ये मैंने क्लिक किया तो यहाँ से इसकी प्रॉपर्टी आ गई। तो देखिए जैसे अभी आपको मैंने पहले बताया था, ये जो है हमारी पहली वाली वीडियो है तो वो यहाँ से स्टार्ट होगी और यहाँ पे ख़त्म हो जाएगी। तो देखिए ये स्टार्टिंग से नहीं बनेगा क्यूब, बीच में से कट गया। तो ये ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि हमने इसको स्टार्टिंग पॉइंट बीच में से दे रखा है। अब मैं यहाँ से इसको देती हूँ और यहाँ से इसका एंड करती हूँ तो देखिए कितना स्मूथ दिखाई देगा। तो बस बाकी आपको इसके साथ कोई छेड़खानी नहीं करना, ये तो सिर्फ आपके सिखाने के लिए था। तो इस तरह से आप बहुत सारे अच्छे अच्छे ट्रांजेक्शन्स को अपने वीडियो में यूज़ कर सकते हैं। आशा करती हूँ दोस्तों आपको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया तो प्लीज़ वीडियो को साइड में प्ले रहने दीजिए और अपने PC पर करते रहिए और वीडियो ट्यूटोरियल को देखिए, आप अच्छी तरह से समझ जाएंगे, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस करते रहिएगा। तो दोस्तों इसी के साथ फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, एंड तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।